हमारे साथ मौजूद है हसन बख्शी साहब, आइए इनके तासुरात लेते हैं कि नासा टावर को गिराया जा रहा है और आज इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसी हवाले से, तो क्या कहेंगे हसन बख्शी साहब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक एक कदम था जहां पर हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके आए और कल एक जो पुरअमन प्रोटेस्ट पे हमारी सिंध गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और दीगर काम करवाया है उसको हम कंडेम करवाएं। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि इस मीडिया के थ्रू हम तमाम हुकूमत के इदारों को, बिलखसूस जुडिशरी को ये मैसेज दें कि हम बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, हम कानूनी काम करना चाहते हैं, बट हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी एनओसी होगी जिसको हम लें जिससे सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन हो और हम काम भी कर सकें। हमें इस वक्त समझ नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हम सब लोगों ने तकरीबन काम रोक दिया गया। दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि आज 74 साल से जो गलतियां हुई हैं, देखिए गलतियां पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, तो हम एक कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के जज पे मुश्तमिल और वो केस टू केस बैठ के उसका फ़ैसला करें, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में केस डिसाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर भी किए जाएँ। कराची को पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए, कराची पाकिस्तान का दिल है और दिल धड़कता है तो पूरा जिस्म चलता है। लिहाजा मेरी गुजारिश तमाम पाकिस्तान के लोगों से होगी, स्पेशली जो इख्तियार रखते हैं, कि वो आएँ हमारी जायज़ बात में हमारा साथ दें।